बाय एनी चांस यू नो जितना आपने देखा है, डू यू थिंक देयर कैन बी एक ऐसा वक्त आ सकता है जब ये तीनों की जो जोड़ी है ये शायद आगे जाके टूट सकती है? नो, आई डोंट थिंक विवियन एक ऐसा पर्सनैलिटी है जो किसी का भी पपेट बन सकता है। आई थिंक जैसे कि सबको लग रहा है कि चाहत यू नो पायल पहनकर चुन चुन चुन, शी इज़ लाइक अ स्ट्रेट आउट ऑफ अ टीवी शो, सो इट्स वेरी नेचुरल फॉर पीपल टू लिंक यू अप लाइक दैट। तो चाहे वो शालीन के साथ लिंक अप उसके हुए हैं या बट बिग बॉस में हमने काफ़ी कपल्स देखे भी हैं, बट वाई इज़ इट सच अ यू नो वाई इज़ देयर सच अ ड्रामा अराउंड इट कि माई गॉड ईशा एंड अविनाश। Hi guys, this is Sonyaa and I urge all my fan and followers to vote for Eisha Singh on Bigg Boss and you're watching me on Filmibeat. हाई गाइज़, दिस इज़ किनरी सिंह, वेलकम टू फिल्मी बीट। और ये हमेशा एक अच्छी चीज़ रहती है जब फ्रेंड्स को सपोर्ट करते हैं, यू नो वुमेन सपोर्टिंग वुमेन। और आज आप हैं यू नो अपनी फ्रेंड को सपोर्ट करने के लिए, ईशा हुज़ इन बिग बॉस 18। तो सबसे पहले वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू सो मच। तो शुरुआत से शुरुआत करते हैं, यू नो वॉट वॉज आई मीन, ऑफकोर्स बिकॉज आप एक अच्छे दोस्त हैं, जब ईशा बिग बॉस के घर में जा रही थी, एवरी वन हैज़ वेरियस रीजन्स यू नो बिग बॉस के घर में पार्टिसिपेशन के लिए, ईशा ने क्या कभी शेयर किया था कि वो क्यों बिग बॉस में जाना चाहती हैं? आई थिंक हम ऐसे मजाक में कहते थे कि हम साथ जाएंगे एंड विल प्ले और हम ये करेंगे, वी विल हैव फन, बट ऐसे कोई रीज़न उसने लिस्ट नहीं किया था। इट वाज जस्ट टू हैव फन एंड आई थिंक वो एग्जैक्टली वही कर रही है, शी इज़ हैविंग फन। अब तक जितना भी आपने ईशा का गेम देखा है, उसकी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, उसके झगड़े भी हुए हैं, प्यार भी है, दोस्ती भी है, सारे यू नो रंग हैं उनके गेम में। बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। एक ट्रायो है उनका, अविनाश, एलिस और ईशा का, और घर में उनकी दोस्ती की मिसालें भी दी जाती है। ऑफकोर्स देयर आर सम पीपल यू नो जो उसे फेक भी कहते हैं, बट व्हेन यू सी ईशाज़ गेम ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है? ईशा एक्चुअली बहुत ही जेन्युइन है इस गेम में, और वो कोई प्लानिंग प्लॉटिंग और फेक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर किसी को लग रहा है कि शी इज़ बीइंग फेक, इट्स एन एब्सोल्यूट यू नो लाई। शी इज़ प्लेइंग विद ऑल हर हार्ट, वो दिल से गेम खेल रही है। तो आप जो इमोशंस देख रहे हैं वही ईशा है, यू नो। देर हैव बीन मोमेंट्स इन द हाउस जिसके वजह से सोशल मीडिया में ऑफकोर्स सबके अपने अपने ओपिनियन हैं, और ऐसा 2-3 बार ही हुआ है जहाँ पे ईशा, बिकॉज ईशा इज समवन, वो बोल देती है, वो ज़्यादा पॉइंट अपने यू नो अपने तक नहीं रखती, वो बोलती हैं चाहे अच्छा या बुरा। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू नो शी हैज़ बीन कंसिडर्ड एज समवन जो यू नो नेगेटिव वाइब दे रही हैं, या फिर एलिस को बैक स्टेप कर देंगी, या यू नो कभी 1-2 मैंने ऐसे पोस्ट भी देखे थे जहाँ उन्हें वैम्प कहा जा रहा है। इट कैन बी बिकॉज वो ओपिनियटेटिव ओपिनियन देती है वो whatever reason। तो उन लोगों को जिनके ये opinions है उनको क्या बोलना चाहोगे आप? I think जब भी एक औरत सच हो you know सच बोलती है या when she speaks her mind उसे विलन ही माना जाता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। But I really laud ईशा फॉर बीइंग herself, you know अपनी सच्चाई बोलना और to speak your mind एक शो पर, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर यू नो। एंड आई थिंक मैं ये बोलना चाहूँगी दैट अप्रिशिएट जब कोई जेन्युइन है, कोई ऑनेस्ट है और अपना यू नो दे आर स्पीकिंग देयर माइंड, और वो बोलने की वो उनमें गट्स है, अपने थाट्स आगे रखने की वो गट्स है, तो मुझे लगता है पीपल शुड अप्रिशिएट दैट इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग द फेक। जो जेन्युइन है ही नहीं, आप उसको अपलॉड कर रहे हो, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड्स शी हैज़ फॉर्म्ड इन द हाउस, हमने ऐसे ही यू नो 1-2 बार देखा था जहाँ पे एलिस और उनका थोड़ा कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था, और एलिस डेफिनेटली थोड़ी इमोशनल है, वो रो देती हैं एंड वो एक्सपेक्ट करती हैं कि सामने वाला आए। एंड इन दोज मोमेंट्स, बिकॉज ईशा और एलिस आई डोंट थिंक वो बाहर से बहुत अच्छे दोस्त थे, जो भी हुआ घर में आके हुआ, व्हेन वन फील दैट ईशा क्यों जाएगी यू नो, बट ईशा जाती है, विच इज़ आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइड एंड अ रेयर या रेयर साइड। बट डू यू थिंक यू नो इफ़ एलिस कंटिन्यूज़ लाइक दिस यू नो थोड़ा इमोशनल होना और बार बार ये कहना कि कोई आए और समझाए, डू यू थिंक ईशा ज़्यादा टाइम तक संभाल पाएंगी दोस्ती को यू नो इस मुद्दे पे? आई थिंक सो, आई थिंक ईशा इज़ समबडी दैट लाइक्स टू फिक्स रिलेशनशिप्स। वो ऐसी इंसान नहीं है कि अगर लड़ाई हो गई तो वो आएगी ही नहीं और आपसे बात नहीं करेगी। अगर उसे रियलाइज़ हो रहा है कि यू नो कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, तो वो आएगी और उसे फिक्स करेगी एंड शी विल अपोलोजाइज। तो That is who she is. वो उस तरीके की इंसान है, you know, that's the kind of person she is. So yes, आगे जाकर भी वो उसे अपॉलोजाइज करेगी और अपनी दोस्ती को फिक्स करेगी. राइट राइट. बट यू थिंक बिकॉज एलिस ने अब नए नए अलायंस बनाना शुरू कर दिए हैं, देर आर ऑल्सो, और जो ईशा ने भी ऑब्जर्व किया अगर आपने कल का एपिसोड देखा, डू यू थिंक बिकॉज बिग बॉस में ऐसा भी हुआ है कि वही दोस्तियाँ सबसे ज़्यादा जाके ड्रास्टिक टर्न लेती जिनकी मिसालें दी जाती है, वेदर इट वॉज बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ आसिम और एनी वन, शुरुआत बहुत अच्छी होती है लेकिन एंड बहुत डेंजर होता है. बाय एनी चांस यू नो जितना आपने देखा, डू यू थिंक देयर कैन बी एक ऐसा वक्त आ सकता है जब ये तीनों की जो जोड़ी है ये शायद आगे जाके टूट सकती है? आई मीन ये तो वक्त ही बताएगा. मैं भी मुझे नहीं पता कि इनकी दोस्ती आगे टूटेगी या स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन आई मीन आई होप कि इनकी दोस्तियाँ बनी रहें. झगड़े लड़ाइयाँ तो होती हैं, बट आप एक घर के कन्फाइंस में आप कहाँ और जाओगे, यू नो आप उन्हीं 18 लोगों के बीच में आपको दोस्तियाँ और कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, तो हो सकता है उनके झगड़े हो, बट द काइंड ऑफ पर्सन ईशा इज़ वो उसे फिक्स कर लेगी. जब अविनाश को मेकर्स एलिमिनेट कर रहे थे तब ईशा ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था कि अगर अविनाश जाएगा तो मैं भी जाऊंगी. उस वक्त आपको लगा कि थोड़ा वो दोस्ती में उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि इवेंचुअली वो आई अपने लिए है, डू यू थिंक वो थोड़ा इमोशंस में ओवरबोर्ड चली गई थी? जैसे कि मैंने कहा ईशा इमोशनल है और दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन शी इज़, तो आई वॉज नॉट सरप्राइज. यू नो अगर मैं अविनाश की जगह होती तो आई एम श्योर ईशा का रिएक्शन वैसा ही होता, और वो मोमेंट भी बहुत ही अजीब था, बहुत ही अनफेयर एलिमिनेशन था, एक हीट ऑफ द मोमेंट में डिसीजन था, तो दैट्स वेयर हर रिएक्शन वाज स्टेमिंग फ्रॉम. तो आई डोंट थिंक कि वो इमोशनल, आई मीन इट वाज वेरी नॉर्मल फॉर हर टू बी इमोशनल, बट हाँ अगर वो सोच रही थी कि मैं भी शो छोड़ दूंगी एंड ऑल दैट, यू नो वो दैट्स जस्ट ह्यूमन नेचर. जब आप किसी को इतना पसंद करते हो या आपका दोस्त है और अचानक से अनफेयर एलिमिनेशन हो रहा है और गलत बातें कही जा रही हैं कि औरतें सेफ़ नहीं हैं विद दिस पर्सन एंड दैट, सो शी वॉज टेकिंग अ स्टैंड फॉर अविनाश एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर. यू नो इट जस्ट गोज़ टू शो कि वो एक अच्छी इंसान है. जी जी. एंड आई थिंक ये जो उन्होंने स्टैंड लिया अविनाश के लिए, इसके बाद ये बातें बनने लगी कि ईशा का जो है कहीं ना कहीं दोस्ती से ज़्यादा इमोशंस हो गए अविनाश के लिए, स्पेशली आफ्टर दैट एपिसोड, क्योंकि ये सबसे पहले बोलने वाले करणवीर मेहरा ही थे जिन्होंने कॉन्वर्जेशन में कहा कि कहीं ना कहीं ईशा जो है, अब एलिस के लिए तो कह नहीं सकते बिकॉज एलिस इज़ ऑलरेडी डेटिंग समवन, सो यू नो ईशा के लिए बोलने लगे कि कहीं ना कहीं वो अविनाश से प्यार करने लगी हैं और वो ये मुद्दा उठाएंगे आगे जाके झगड़ों में या किसी भी उसमें. क्या कहना चाहते हो एज अ फ्रेंड, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ है ईशा और अविनाश के बीच में फ़िलहाल तो, और डू यू थिंक अगर ये मुद्दे झगड़ों में उठाए जाएंगे तो ईशा उसे कैसे हैंडल करेगी? आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है ईशा और अविनाश के बीच में. इट्स टू सून कि किसी से प्यार हो जाए एंड ऑल दैट. एक कनेक्शन है, दोस्ती है, और अगर आगे जाके कुछ ऐसा हो भी जाता है तो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम. शी इज़ सिंगल, ही इज़ सिंगल, बट एट द मोमेंट इफ़ यू आस्क मी कि क्या उनके बीच ऐसा कुछ है, आई डोंट सी इट. आई डोंट थिंक. एक नया अलायंस भी बन रहा है जो कल ही धीरे धीरे बन रहा है. ऑफकोर्स अविनाश, ईशा और एलिस तो है, लेकिन विवियन और रजत भी जुड़ रहे हैं, और अब यू नो या और अब बातें ये भी चल रही है कि कैसे हम और लोगों को ले, तो ये अलायंस को लेके आप कितनी कॉन्फिडेंट है बिकॉज पांचों अलग अलग लोग हैं? Vivian and Rajat are becoming friends. Because Vivian is more inclined towards any which ways them, और थोड़ा उनके साथ ही उठते बैठते हैं. कल रजत भी आए, बोले कि हाँ चलो साथ में मिलके खेलते हैं, हम और लोगों को भी लाते हैं, सारा रफीन को भी लाते हैं. तो ये तबाही की शुरुआत है आपको लग रही है? ये तो एंटरटेनमेंट की शुरुआत है. आई एम एक्साइटेड टू सी के क्या होता है Vivian और रजत की दोस्ती, क्योंकि लास्ट Vivian और रजत ही लड़ रहे थे, तो यू नो द गेम इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल. कहाँ बॉन्ड्स बन जाए और फिर कहाँ अलायंसेस टूट जाए या क्या हो जाए, यू जस्ट कांट प्रेडिक्ट एनी ऑफ दिस. क्योंकि आप विवियन के साथ भी काम कर चुके हो. रीसेंट करणवीर मेहरा ने बोला था कि विवियन जो है सबको लगता था कि वो लीडर है, लेकिन धीरे धीरे वो अविनाश के पपेट बनते जा रहे हैं. हाउ मच डू यू अग्री और नॉट अग्री टू दिस स्टेटमेंट? नो, आई डोंट थिंक विवियन एक ऐसा पर्सनैलिटी है जो किसी का भी पपेट बन सकता है, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन और ऑन द गेम. ही इज़ नॉट दैट टाइप. वो पपेट किसी का भी नहीं बन सकता. ही इज़ बीइंग नाइस टू एवरीबडी और ही इज़ टेकिंग अ स्टैंड फॉर अविनाश. जब उसने लिया था स्टैंड अविनाश के लिए जब अविनाश का अनफेयर एलिमिनेशन हो रहा था, तो आई सी कि विवियन इज़ यू नो बिल्डिंग कनेक्शंस एवरीवेयर विच इज़ गुड. तो पपेट तो नहीं है वो किसी का. आखिरी कुछ सवाल, ये लास्ट एपिसोड में ये भी हुआ था कि यू नो ईशा इज़ वन ऑफ दोज पर्सन, जैसे रजत दलाल की अगर मैं बात करूँ, बहुत कम लोग का है जिनसे उनकी बन पा रही है बिकॉज ऑफ हिज अग्रेसिव नेचर या जो भी है, बट ईशा इज़ समवन जो उनसे बात कर पाती है बिकॉज उनसे बात करना बहुत इट्स अ टास्क इन इट्स सेल्फ, एंड ईशा उन्हें भाई बोल के बट वो बात कर लेती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लेती है, समझा भी लेती है कभी कभी। कल शहजादा ने ये बात की थी कि ईशा क्यों नहीं समझ पा रही है कि रजत बहुत डबल मीनिंग बातें करता है, मजाक भी उड़ाता है, बट ईशा कॉन्स्टेंटली जो है रजत के साथ थी। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ईशा रजत को समझने में गलती कर रही है या लोगों को जलन है कि क्योंकि आप अपना बात रजत तक नहीं रख पाते हो, ईशा इस संबंध जो आराम से बात भी कर लेती है और उन्हें समझा भी देती है? आई थिंक सबकी एक इंडिविजुअल गेम चल रही है, उसकी बन रही है रजत के साथ, तो यू नो इट्स गुड। मैं तो चाहती हूँ कि वो सबके साथ दोस्ती बनाए घर में, सो इफ़ शी इज़ फाइंडिंग अ फ्रेंडशिप और भाई मान रही है रजत को तो अच्छी बात है, गुड फॉर हर, यू नो जितने उसके पास उसके सपोर्ट में लोग हों अच्छी बात है, तो आई थिंक क्यों नहीं करनी चाहिए, रजत से भी दोस्ती करनी चाहिए। What do you think about चाहत पांडे? Because चाहत एक ऐसी शख्स है जिनकी लड़ाई आपके दोनों ही कोस्टास के साथ हुई है तो क्या लगती है, बहुत लोग कह रहे हैं कि वो एक्टिंग कर रही हैं, बहुत लोग कह रहे हैं फेक है, कुछ कह रहे हैं कि वो सॉफ्ट टारगेट है, एज अ व्यूवर आपको वो कैसी लगती है? आई थिंक जैसे कि सबको लग रहा है कि चाहत यू नो पायल पहनकर चुन चुन चुन, शी इज़ लाइक अ स्ट्रेट आउट ऑफ अ टीवी शो एक कैरेक्टर वो ऐसे लग रही हैं, बट शी इज़ क्यूट एंड मैं यू नो ये कहना चाहूँगी कि आई डोंट थिंक शी इज़ अ सॉफ्ट टारगेट, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर एंड जब अपने आप को डिफेंड करने की बात आती है शी इज़ देयर, तू मेरी जूती से भी ये नहीं है ऑल दैट यू नो ऐसे स्टेटमेंट, तो वो बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट नहीं है, शी नोज़ व्हाट शी इज़ डूइंग, शी नोज़ अ गेम, सो आई थिंक इट्स फन टू वॉच चाहत, मुझे तो मज़ा आ रहा है उसको देखने में एज अ व्यूअर क्योंकि इट्स अ फन एलिमेंट, चाहत इज़ अ फन एलिमेंट, आई लाइक इट। ईशा को लेके आपके डीएम में उनके कितने फैंस आ रहे हैं? बिकॉज देखो अभी उनकी और अविनाश की थोड़ी यू नो ये जोड़ी को पसंद किया जा रहा है, ईशा को लोग शालिन के साथ भी बहुत पसंद करते, जब से यू नो उनका शो है तो उनके साथ भी बहुत पसंद करते, ऐसा कुछ डीएम में आ रहा है आपके? बहुत कुछ आ रहा है मेरे डीएम में, मेरे डीएम में विवियन के लिए आ रहा है, मेरे डीएम में ईशा के लिए आ रहा है, मेरे डीएम में हर जगह आ रहा है। आई मीन अबाउट यू नो कि क्या हो रहा है, तुम्हारी दोस्त ऐसी है, तुम्हारी दोस्त वैसी है, नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी है, क्योंकि होता ही है ना कि इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं और उन सब के फ़ैन बेसेस हैं, सो वो भी मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट व्हाई इज शी डूइंग दिस और व्हाई इज शी डूइंग दैट। I mean that's just the nature of the game and I don't take it so seriously and nobody should really, you know they'll move on to the next season and yeah. But you know one last question, how do you think Isha will take this thing because you know किसी के साथ ऑन स्क्रीन पेड अप करना वो भी 20 दिन में you know, एंड ये घर वालों ने शुरू किया, ये एक्चुअली फैंस ने भी नहीं शुरू किया था, करणवीर के स्टेटमेंट से सब शुरू हुआ, ईशा का पहले नाम शालिन के साथ भी जुड़ चुका है, किस तरह से यू नो शी हैंडल सच थिंग्स विच आर वेरी विच समटाइम्स दैट इज़ नॉट कम्फर्टेबल स्पेशली एज अ वुमन व्हेन यू रीड अबाउट दोस स्टाफ्स? आई थिंक शी डजंट टेक इट दैट सीरियसली एज एन एक्टर, आप कि लिंकअप्स इतने नॉर्मल हो जाते हैं क्योंकि आप इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लोगों के साथ काम करते हो, तो इट्स वेरी नेचुरल फॉर पीपल टू लिंक यू अप लाइक दैट, तो चाहे वो शालीन के साथ लिंकअप उसके हुए हैं या किसी और के साथ या फ्यूचर में भी होंगे, आई डोंट थिंक वो इतना अफेक्ट होती है इन सारी बातों से, और आई डोंट सी अ प्रॉब्लम ऑल्सो कि इट्स सो नॉर्मल ना, एक वाई डू वी हैव टू मेक इट सच अ टैबू कि माय गॉड एक लड़की है और उस लड़के से उसने बात कर ली तो वो लड़की है तो वो लड़के से ही बात करेगी और वो किससे बात करेगी, यू नो एज है, लोग इस एज में लोग रिलेशनशिप्स ही करते हैं, अफेयर्स ही करते हैं, तो क्या हो गया, आई डोंट अंडरस्टैंड, अगर उसके रिलेशनशिप्स थे भी तो व्हाई इज इट सच अ बिग न्यूज़, सबके होते हैं, सबके रिलेशनशिप्स होते हैं, सर आई डोंट सी अ प्रॉब्लम, बट मैं इस बात से काफ़ी शॉक्ड हूँ कि ईशा एंड अविनाश इज सच अ टॉपिक यू नो दैट, बट इट स्टार्ट दैट इज द रीजन, ये फैंस नहीं ये करणवीर मेहरा ने, बट अगर हो भी गए आई एम जस्ट वंडरिंग, अभी तो है नहीं, बट बिग बॉस में हमने काफ़ी कपल्स देखे भी हैं, बट व्हाई इज इट सच अ यू नो व्हाई इज देयर सच अ ड्रामा अराउंड इट कि माय गॉड ईशा एंड अविनाश, तो क्या हो गया कि अभी तो किसी का हो नहीं रहा है ना रोमांटिक एंगल, आई थिंक इवन बिग बॉस विल बी, मज़ा आएगा, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, बट अगर हो भी गया तो आई डोंट सी अ बिग डील।